प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 8 अंकों का टॉपिक अपठित अवबोधनम का अध्ययन करेंगे। आपको गद्यांश पढ़ करके और फिर उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन का संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में उनका जो है आप उत्तर देंगे। जीवने जीवन में धनस्य धन का अत्यधिकम अत्यधिक महत्वम महत्व अस्ति है। धनेन धन से जीवन निर्वाह, जीवन का जो निर्वाह है, सुखेन भवति, सुख से होता है। धनम विना, धन के बिना वयम हम भोजनम अपि, भोजन भी प्राप्तुम प्राप्त करने में ना शक्नुमः, सक्षम नहीं होते। वयम हम भोजन भी अपि भी प्राप्तुम न शक्नुम, प्राप्त नहीं कर सकते। किसके बिना? धनम बिना, धन के बिना। परम परंतु यदि हम, परम परंतु यदि वयम हम अनुचित साधना नाम, अनुचित साधनों का प्रयोगम प्रयोग करके धन प्राप्त्यर्थम, धन प्राप्ति के लिए अपना जो प्रयास है कुरुमह करते हैं, तरही तेन उससे धनेन धन केवलम केवल दुखमेव भवति, दुख ही देता। परंतु यदि वयम हम अनुचित साधना नाम प्रयोगम, अनुचित साधनों के प्रयोग से धन प्राप्त्यर्थम कुर्मह, धन प्राप्त करते हैं, तरही तो तेन उससे धनेन उस धन से केवलम दुखमेव भवति, दुख ही होता है। बहुत अच्छी बात कही है। तो इसके जो आंसर हैं वो देखिए। प्रथम प्रश्न है कि जीवने जीवन में कस्य किसका अत्यधिकम अत्यधिक वर्तते है। अब यहां पर महत्व नहीं आया, यह प्रश्न छपने में कुछ अधूरा छपा कि जीवने जीवन में कस्य किसका अत्यधिकम अत्यधिक महत्वम वर्तते, ये आना था कि महत्व है। तो हम कहेंगे जीवने जीवन में धनस्य धन का अत्यधिकम अत्यधिक महत्वम महत्व वर्तते है। यहां अत्यधिकम के बाद महत्वम भी आना था, यह शायद त्रुटि हुई है उनसे। धनेन धन के कारण, धनेन धन के कारण या धन से जीवन निर्वाह, जीवन का जो निर्वाह है, केन प्रकारेण भवति, किस प्रकार से होता है। अब आपको कहना पड़ेगा कि धनेन धन से जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वाह सुखेन भवति, सुख पूर्वक होता है। धन से जीवन का निर्वाह केन प्रकारेण, किस प्रकार होता है, तो सुखेन भवति, सुख पूर्वक होता है। धनम विना, धन के बिना वयम हम किम क्या प्राप्तुम प्राप्त ना शक्नुमः, नहीं सकते। शक्नुमः कैन की जगह प्रयोग किया जाने वाला संस्कृत शब्द है कि धनम विना, धन के बिना वयम हम किम क्या प्राप्तुम प्राप्त ना शक्नुमः, नहीं कर सकते। क्या प्राप्त नहीं कर सकते? तो आएगा कि धनम विना, धन के बिना वयम हम भोजनम, भोजन प्राप्तुम प्राप्त ना शक्नुमः, नहीं कर सकते। धन के बिना तो हम भोजनम अपि, भोजन भी प्राप्तुम न शक्नुमः, भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकते। वहां ऊपर पैराग्राफ में आपने पढ़ा था भोजनम अपि प्राप्तुम न शक्नुमः। अनुचित साधना नाम, अनुचित साधनों के प्रयोगेन प्रयोग से प्राप्तेन प्राप्त हुआ या प्राप्त हुए धनेन धन से किम भवति, क्या होता है। अनुचित साधनों के प्रयोग से जो हम धन प्राप्त करते हैं, कहता है कि उससे होता क्या है। तो यह कहता है कि अनुचित साधना नाम, अनुचित साधनों के प्रयोगेन प्रयोग से प्राप्तेन प्राप्त हुए धनेन धन से केवलम केवल दुखम एव भवति, दुख ही होता है। अनुचित साधनों के प्रयोग से कहते हैं कि केवल दुख ही प्राप्त होता है। तो हमें सदप्रयत्नों से, अच्छे कर्मों से प्राप्त धन ही जीवन में फलदायी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये अपठित अवबोधनम है, इसके हम 4-5 गद्यांश और करेंगे। आगे आप जहां भी आपको प्राप्त होते हैं, जिस बुक से भी प्राप्त होते हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहां डाउट हो हमसे सहायता
लीजिए, और ये जो सरल सरल से अंक हैं इन्हें आप पूरी तरह से अपने अधीन कीजिए। धन्यवाद।